गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आईपी स्टूडेंट्स, यस्टरडे आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम सोल्ड एंड अनसोल्ड एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस कनेक्टिविटी और यू कैन से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीएसवी फाइल्स फ्रॉम और इन पांडास। तो आज का टॉपिक देखिए क्या है हमारा। छोटा सा एक टॉपिक हमारा पेंडिंग था सीएसवी फाइल से रिलेटेड और वो था हैंडलिंग नैन वैल्यूज। जब आप सीएसवी फाइल में डाटा को स्टोर करते हैं डाटा फ्रेम से, तो सम टाइम ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर रो में किसी कॉलम की वैल्यू अगर नैन है, तो उस केस में जब डेटा हमारा सीएसवी फाइल में स्टोर होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए डेटा किस तरह से सेव होता है। ये देखिए, ये एक एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। ये डेटा फ्रेम है और इसमें आप देख रहे हैं कि डेटा हमारा सरनेम में फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे जो रो है उसका सरनेम हमें गिवन नहीं है। इसी तरह से थर्ड इंडेक्स पे जो रो है उसमें नेम की वैल्यू गिवन नहीं है। दोनों में नैन वैल्यू हमारे पास है डेटा फ्रेम में, लेकिन अगर हम इस डेटा फ्रेम को किसी सीएसवी फाइल में स्टोर करते हैं तो उस टाइम हमारी सीएसवी फाइल में ये नैन वैल्यूज किस तरह से अपीयर होंगी। एक्चुअल में नैन वैल्यूज सीएसवी फाइल नैन वैल्यूज को तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, उसे तो नहीं पता कि नैन का मतलब क्या है। तो वो नैन के प्लेस पे क्या करेगी, जहां जहां नैन थी, ठीक है, जहां इस तरह की वैल्यूज थी, नैन का मतलब वैल्यूज नॉट गिवन इन दैट पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है, तो वहां पे ये ब्लैंक स्ट्रिंग शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए जीरो इंडेक्स पे जो रो है वहां सरनेम, यहाँ नैन है। इसी तरह से थर्ड इंडेक्स पे जो रो है उसका नेम आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस यहाँ इस एरो में आप देख सकते हैं यहाँ ब्लैंक है। तो ये इसको एज अ ब्लैंक स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे कंसिडर करता है बाय डिफॉल्ट, मगर ये तो ठीक नहीं है। तो हम यह चाहते हैं कि ये सीएसवी फाइल में इस इन नैन वैल्यूज को किसी ऐसी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दे, लाइक नल। नल हमें पता है एक अंडरस्टैंडेबल वैल्यू है, या फिर कोई और वैल्यू, कॉमन सी वैल्यू। एक्चुअल में हम यहाँ पे नल अगर डिस्प्ले करते हैं ब्लैंक स्ट्रिंग के प्लेस पे तो वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा छोटा सा, और वो क्या है, एट्रीब्यूट है टू अंडरस्कोर सीएसवी हमारा एक्सपोर्ट करने के लिए मेथड है किसका, डेटा फ्रेम का, ठीक है। और रीड सीएसवी हमारा पांडास का मेथड था डेटा को सीएसवी फाइल से रीड करने के लिए। ये ध्यान रखना, एक चीज आपको याद रखनी है कि जो T2CSV मेथड ये डेटा फ्रेम का डेटा के स्ट्रक्चर से रिलेटेड मेथड है, और जो रीड सीएसवी है वो पांडास का मेथड है अपना, ठीक है, सीएसवी फाइल से डेटा को रीड करने के लिए। अब इस डेटा फ्रेम का एक मेथड हम यूज करेंगे, 2CSV मेथड का एट्रीब्यूट यूज करेंगे, एक फंक्शन कह सकते हैं हम इसको, एंड दैट इज NA_RIP। ये NA का मतलब है जो नैन वैल्यूज हैं, अंडरस्कोर REP का मतलब है यहाँ पे रिप्लेस। हम नैन वैल्यूज को किससे रिप्लेस करेंगे, ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसको आपने चेंज नहीं करना है, जस्ट इसकी आर्ग्यूमेंट जो पास करेंगे वही आपको इन प्लेस नजर आएगी। तो हम यहाँ पे इक्वल टू के साथ जो भी इसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे आपको ब्लैंक स्ट्रिंग की जगह सीएसवी फाइल में वो स्ट्रिंग नजर आएगी जो आपने यहाँ पास की होगी। तो देखिए NA_REP इज इक्वल टू, अगर हम क्यूट्स में नल पास कर रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पे, ये देखिए अब वहां नल डिस्प्ले हो रहा है इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग ब्लैंक स्ट्रिंग। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है, अगर यहाँ सिर्फ ब्लैंक डिस्प्ले हो रहा था तो पता भी नहीं चल रहा था कि यहाँ पे कोई वैल्यू मिसिंग है। तो अब यहाँ पे नल से हमें भी पता चल रहा है कि हाँ यहाँ कोई वैल्यू जो है अभी स्पेसिफाई नहीं की गई है। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक कि हम नैन वैल्यूज को
सीएसवी फाइल्स में किस तरह से हैंडल करें, हम उनको अपनी स्ट्रिंग पास करके किस तरह से उनको हैंडल कर सकते हैं। नैन वैल्यूज डिफॉल्ट सीएसवी फाइल में ब्लैंक स्ट्रिंग से डिस्प्ले होती हैं, तो हम उनको ब्लैंक स्ट्रिंग की बजाय कोई और स्ट्रिंग पास करके भी क्या कर सकते हैं, सीएसवी फाइल में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, ये छोटा सा टॉपिक पेंडिंग था, तो आज का आपका ये वाला टॉपिक भी कवर हो गया है। इसी से रिलेटेड हमारा देखिए चैप्टर, ये एग्जाम्पल 10 है, ये आपको गिवन है। प्रीवियस एग्जाम्पल है 8-9 क्रिएटेड सीएसवी फाइल विदाउट नैन वैल्यूज, है ना। राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर द डेटा ऑफ दिस डेटा फ्रेम इन सीएसवी फाइल अलॉन्ग विद नैन वैल्यूज स्टोर्ड एज नल एंड सेपरेटेड एज टिल्ड सिंबल। ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ना, ये टिल्ड सिंबल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपको मिलता है हमेशा एस्केप की के बिल्कुल ठीक नीचे, ये टिल्ड सिंबल होता है। आपको एज अ सेपरेटर इसको यूज करना है, तो बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, डेटा फ्रेम का नेम यूज करना है, टू सीएसवी मेथड यूज करना है। आपको बताया था कि फाइल नेम अगर आपको गिवन है तो आप उस फाइल के नेम को यूज करेंगे, और पाथ अगर गिवन है तो उस पाथ को यूज करेंगे, अगर नहीं है तो आप अपना पाथ और फाइल नेम यूज कर लीजिए। फिर सेप इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है ये वाला सिंबल यूज करेंगे, और जो नल वैल्यूज में गिवन है ये देखिए स्टोर्ड एज नल, ठीक है। तो नल आपको स्टोर करना है नैन वैल्यूज को किसमें, सीएसवी फाइल में। तो ये आपका नल NA_ REP इज इक्वल टू नल आपने यूज किया, तो देखिए जो जो नैन वैल्यूज थी वो यहाँ पे नल से डिस्प्ले होंगी जब आप डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करेंगे। तो ये देखिए ये सीएसवी फाइल में आपका डेटा इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। आप देखिए आपका सीएसवी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये टॉपिक आपका कवर हो चुका है। मीन्स सीएसवी फाइल्स को आप डेटा फ्रेम में कैसे इंपोर्ट करें, किस तरह से उसको रीड करें, और कैसे सीएसवी फाइल्स में डेटा फ्रेम को आपने सेव करना है, तो ये टॉपिक आज जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। जितना भी इसमें एट्रीब्यूट्स है, जो इसके फंक्शंस थे आप कर चुके हैं। इसके बाद देखिए कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क आपको दे रही हूँ। टाइप बी में ये कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये इसी से रिलेटेड है, इनको आप ट्राई करेंगे। सीएसवी फाइल से रिलेटेड हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनको आप फिर नोटबुक में करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में ये प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल आप इसको करके देखेंगे, ये भी आपके सीएसवी फाइल पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वन मोर थिंग, आपके सिलेबस से कनेक्टिविटी, पांडास की कनेक्टिविटी विद MySQL दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस। तो आप छोटा सा प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट ट्राई कीजिए, बनाइए, आप अपने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कर दीजिए सीएसवी फाइल्स के थ्रू। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट MySQL से भी प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, तो MySQL भी मैं मंडे से आपको MySQL का टॉपिक भी जो सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो वो भी मैं आपका मंडे से कराऊंगी। तो अब आपके पास ऑप्शन हो जाएगी कि आप CSV के थ्रू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो CSV के थ्रू प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और MySQL को यूज करके प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो कनेक्टिविटी को भी आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो अपने आइडियाज प्रोजेक्ट से रिलेटेड फ्रेम करना स्टार्ट कर दीजिए, उसका आउटर स्ट्रक्चर अपना बनाना स्टार्ट कर दीजिए, कि टॉपिक अपना डिसाइड कर लीजिए कि किस टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। किसी भी टू थ्री स्टूडेंट से ज्यादा का जो टॉपिक है सेम नहीं होना चाहिए, थ्री स्टूडेंट्स एक ग्रुप में आ सकते हैं। ओके, तो ये आज का आपका वर्क है, इसे आप अच्छे से कीजिए। ओके बाय, कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली मुझे फोन करके या वैसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके बेटा।